भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर के मीनू बेनीवाल बने सारथी, तो गोपाल कांडा ने लगाए उनके चुनाव प्रचार में पंख। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़। सिरसा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 9 की 9 विधानसभा में स्थानीय नेतागण भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर को मजबूती दिलाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिसके चलते अलामत विधानसभा में मीनू बेनीवाल जहां डॉक्टर अशोक तंवर के सारथी बनकर उनके चुनाव प्रचार में तेजी लाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं सिरसा से विधायक एवं हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा व उनके छोटे भाई गोविंद कांडा सिरसा विधानसभा ही नहीं बल्कि कालांवाली के साथ साथ रानिया विधानसभा में भी डॉक्टर अशोक तंवर को मजबूती दिलाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से कुछ समय पहले नई कार्यकारिणी बनाई थी, जिसमें सिरसा से निताशा सिहाग को जिला अध्यक्ष बनाया गया था और काफ़ी उम्मीद थी कि आने वाले चुनाव में जिला अध्यक्ष अपनी एक विशेष भूमिका निभाएंगी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि न तो संगठन दिखाई दे रहा है और न ही संगठन के बीच तालमेल, जबकि भारतीय जनता पार्टी को प्रोटोकॉल का पार्टी कहा जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि प्रोटोकॉल की धज्जियां खुद जिला अध्यक्ष के परिवार के सदस्यों के साथ उनके अकाउंट द्वारा उड़ाई जा रही है। भाजपा संगठन जिनमें पन्ना प्रमुख से बूथ बना, बूथ से शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से मंडल और मंडल से जिला, इस बार न जिला के पदाधिकारी दिख रहे हैं न मंडल के अध्यक्ष, तो फिर शक्ति केंद्र और पन्ना प्रमुख तो दूर की बात है। इस लोकसभा चुनाव में दबी जुबान में कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिला अध्यक्ष द्वारा अधिकतर पदाधिकारियों की अनदेखी कर रही है, ये कहे अपने चहितों को ही आगे रखा जा रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर को हो रहा है। लेकिन 9 की 9 विधानसभा के स्थानीय नेताओं ने या फिर कहें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में विधायक का चेहरा बनने वाले नेताओं ने पार्टी के उम्मीदवार को मजबूत करने के लिए समय बीड़ा उठाने का काम किया है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसके चलते चाहे बात करें अलाहाबाद विधानसभा की, जहां मीनू बेनीवाल स्वयं डॉक्टर अशोक तंवर के सारथी बनकर उनके अलाहाबाद विधानसभा में मजबूती का काम कर रहे हैं, तो वहीं सिरसा रानिया कालांवाली में हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा व उनके छोटे भाई गोविंद कांडा अन्य नेताओं के साथ तालमेल बनाकर डॉक्टर अशोक तंवर को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते गत दिवस कालांवाली विधानसभा में हुए कार्यक्रम के दौरान उमड़ा जनसैलाब यह साबित करता है कि सिरसा के विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता ने डॉक्टर अशोक तंवर को मजबूत करने के लिए स्वयं कमर कस ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कहीं न कहीं उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष की भूमिका निभाने वाली निताशा सिहाग ग्राउंड स्तर पर अपनी पकड़ बनाने में कमजोर दिखाई दे रही है। ना ही हरियाणा के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भारी भीड़ एकत्रित करने में सफल हो पाई जिला अध्यक्ष और ना ही पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में। हालांकि दबी जुबान में कार्यकर्ता भी कहने लगे हैं कि जिला अध्यक्ष अपने चाहतों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में पार्टी को मजबूत करने की बजाय कमजोर कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्व जिला अध्यक्ष को याद कर रहा है कि उनके कार्यकाल में चुनाव के दौरान कैसे कार्यकर्ताओं में पार्टी का जिला अध्यक्ष जोश भरकर पार्टी को मजबूत करने का काम करते थे और बिना भेदभाव के सभी को समांतर नजरों से देखते थे। कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देकर उन्हें चुनावी मैदान में एक सिपाही की तरह उतरकर और जिला अध्यक्ष उनका नेतृत्व किया करते थे। अब तो देखना यह है कि समय रहते जिला अध्यक्ष ऐसे माहौल में अपनी भूमिका को कैसे निभा पाएंगी, जिसे निभाने में वह कहीं ना कहीं अभी असफल दिखाई दे रही है। लेकिन हाईकमान की ओर से पन्ना प्रमुख तक के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया गया। जनता में यह चर्चा चल रही है, भाजपा पार्टी अब नई रूपरेखा के साथ साथ अलग अलग विधानसभा के नेताओं के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है, ताकि आने वाली 25 मई को अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने साथ जोड़ सके। अब यह तो आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की रूपरेखा एवं डॉक्टर अशोक तंवर की टीम उन्हें कितना मजबूत कर पाएगी।